होता है अप्रोक्स 17-18 मार्च की, जब मुझे लगा कि मेरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 17 मार्च को मेरे जुकाम हुई, जिसको मैंने अवॉइड किया कि ये जुकाम नॉर्मल जुकाम है जैसे हो जाती है। और मैं जाता हूँ लाइब्रेरी सुबह 7 बजे, आता हूँ घर पे 10 बजे। तो मेरा कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था, मेरा कहीं बाहर जाना नहीं था, केवल एक मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी। तो एज सच मेरे को कोई ऐसा दूसरी जो एक होती ना शंका वाली चीज़, वैसा कोई चीज़ नहीं थी। बट ये जुकाम लगी तो थोड़ा सा फीवर भी हुआ मेरे। फीवर होते ही पापा मेडिकल से पहले तो मेडिसिन लेके आ गए, तो जो मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके जो मेडिसिन उन्होंने बताई वो मुझे दे दी गई, उससे ठीक नहीं हुआ मैं। अगले दिन मेरे को दोबारा वैसा का वैसा ही फील हुआ। एंड जुकाम होती है तो अपने नाक बंद हो जाते हैं, तो अपन को ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा ही मेरे को हो रहा था। और कोरोना का इतना बड़ा हवा चल रहा था उस टाइम पे, मोदी जी ने संबोधित किया था पूरे देश को कि सबको घरों में रहना है, जनता कर्फ्यू का ऐलान हो चुका था, तो घर वाले बहुत टेंशन में आ चुके थे मेरे। इवन मेरे भैया, इन्होंने बोल दिया था कि डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत अनिवार्य है, तो उन्होंने अगले ही दिन जाके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। मेरी सारी फैमिली बहुत टेंशन में थी, मैं उनके लिए टेंशन में था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसकी वजह से वो टेंशन में है। अगले दिन हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि सारे पेशेंट्स ऐसे ही आ रहे हैं जिनके थोड़ा सा भी जुकाम फीवर या खांसी कुछ भी होती है, वो बस इसी चीज़ का हवा बना के डर के और आ रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, बोला कि 3 दिन आप ये मेडिसिन लो, प्रॉपर रेस्ट लो, जिसके कारण आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अच्छा खाओ अच्छा पियो। तो मुझे थोड़ा सा क्या है डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में पता है, तो मैं ग्रीन टी पीना स्टार्ट करा, मैं ऑरेंजेस खाना स्टार्ट करा मैं, और मैं बहुत हेल्दी फूड्स और जैसे जिंजर की टी, अदरक की टी, घर बहुत सारे नुस्खे जो मम्मी को जो पता थे वो मम्मी ने मेरे ऊपर आजमाए, ये काढ़ा पिलाया वो काढ़ा। जब ये सब कुछ चल रहा था तब मैं बहुत टेंशन में था, तब मैंने ये देखा कि भाई इन्हें क्या सिम्टम्स होते हैं, गूगल करा मैंने, और मैंने पता किया कि इसके लिए इम्यून सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी होता है, तो इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी चीज़ पता गई। तो फिर वो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया खुद पे। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि हर जगह ये बोला जा रहा था सेल्फ आइसोलेशन रखो, सेल्फ आइसोलेशन रखो, क्वारंटाइन रखो, खुद को क्वारंटाइन रखो। तो इसी पीरियड में मैंने खुद ने एक परफेक्ट डिसीजन लिया कि मेरा एक परफेक्ट अलग रूम होगा जिसके अंदर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और मैं वहाँ पर रहूँगा, क्योंकि मुझे खुद के लिए डर नहीं था, मुझे अपने फैमिली वालों के लिए भी डर था। बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मैं गलती से इस रिक्वायर्ड फील्ड में पॉजिटिव पाऊँ या फिर आगे इन फ्यूचर जो भी हो, तो मेरी फैमिली को इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड ये चीज़ एक्चुअल में हमने किसी को बताई भी नहीं, बिकॉज ये चीज़ बताते ही लोग सोचते हैं कि इनके घर में तो कोरोना पेशेंट है, इनके घर में ये है वो है, मतलब कुछ भी हो रहा हो इस टाइम पे सबको लग रहा है कि भाई इनके घर में बीमार आदमी है, इनसे दूर रहो, और ये वो, मतलब बहुत अलग डिस्क्रिमिनेशन। तो एक रीज़न ये भी था कि लोग डिस्क्रिमिनेट करें, हेटरेट बढ़ा लें, सोसाइटी में आपको अलग नज़र से देखें, इसीलिए लोग खुल के सामने भी नहीं आ रहे इस चीज़ से। और वही कुछ सिमिलर सी चीज़ हमारे साथ भी हुई, तो मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखा कि ऑटोमेटिकली अंदर इसका इलाज चल रहा है, और ये कन्फर्म नहीं था कि भाई चल क्या रहा है एक्चुअल में, मेरे हो क्या रखा है। तो मेरी थोड़ी फिर से एक दिन तबीयत ठीक हुई, तो मेरे घर वालों की खुशी देखने लगी थी, इवन मैं सुकून फील कर रहा था कि मेरा घर वाले सारे खुश हैं इस चीज़ को लेकर। जो मेरे घर वाले, जो बाकी फैमिलीज है गाँव में, जो मेरे और भी काकू सार, ये इन सबको भी टेंशन थी मेरी कि इनके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो डेली अपडेट मांगते थे मेरे से, बात करते थे, फ़ोन तो था ही मेरे पास। और ये मैं पूरा गूगल कर करा के मैं खुद को घर वालों को बोलता था कि ग्रीन टी मेरे को पिलाओ, ऑरेंजेस मेरे को खिलाओ, और बहुत सारी चीज़ें वो खिलाओ। तो मेरी कैसे ना कैसे जुकाम से ही उस टाइम पे सबसे पहला काम जो हुआ वो हुआ था मेरी जुकाम ठीक हुई थी। मेरी लिटिल बिट फीवर था क्योंकि एक ही कमरे में मैं घुट चुका था एक तरीके से, तो मेरे थोड़ा थोड़ा सा मेरे को लथार्जिक सा फील हो रहा था, आलसीपना सा मेरे को फील हो रहा था। उस आलसीपने की वजह से एक बॉडी आपकी जैसे थोड़ा सा चले जाते हैं ना कि बुखार सा फील हो रहा हो, आपके पूरी बॉडी में पेन हो रहा हो, एक ही एक जगह पड़े हो, पूरी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पा रही हो। तो मैं खुद के ही कमरे में मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता था, थोड़े पुशअप्स लगा लेता था कि इम्यून सिस्टम भी अच्छा हुआ। मैंने इस टाइम पर खूब पानी पिया, लेकिन उसी टाइम पर अचानक क्या हुआ, मेरे थोड़े बहुत खांसी चलना स्टार्ट हो गया। अब वो खांसी का सिम्टम तो प्रॉपर सिम्टम है कि इस कोविड-19 की जो डिजीज़ है इसमें खांसी तो बहुत बड़ा सिम्टम है, तो ये बहुत दूसरी टेंशन की बात। अब हमारे पापा मैं सब ये सारे के सारे क्या करते थे, कोई भी न्यूज़ चैनल में कुछ भी बता देते तो हम पॉजिटिव पॉइंट्स उठाने की कोशिश करते थे कि जो हमारे हमसे रिलेट करें। उसमें थी सूखी खांसी, और मेरे थी थोड़ा सा गीली खांसी बोलते ना थोड़ा सा, और वो मेरे खांसी उसी दिन स्टार्ट हुई थी, मतलब इससे पहले खांसी थी नहीं मेरे।
मेरे लाइट बुखार था, खांसी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस खांसी की भी दवाई ली है, ठीक है, खांसी की दवाई मैंने रेगुलर ली, मम्मी ने काढ़ा पिलाया, मम्मी ने मेरे को हल्दी का दूध पिलाया रात को, सुबह उठते पहले ग्रीन टी चल रही है मेरी, मेरी चाय चल रही है अदरक और लहसुन वाली वो चाय चल रही है, ये सब कुछ मेरा परफेक्ट चलता रहा। और उसके बाद मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, ऑलमोस्ट 27 मार्च का वो दिन था जिस दिन को मैं थोड़ा सा रिकवर हुआ, मुझे खुद को अच्छा फील हो गया, और मोस्ट बॉडी आपकी बता देती है कि किस दिन आप रिकवरी में आ चुके हो। तो उस दिन मैं वैसे भाई मैं शेर हो गया, मैं था एक कमरे में, खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रखा था मैंने, मैं सब कुछ खुद का अलग करता था, सब खाना पीना सब कुछ खुद का अलग था, मैं खुद को आइसोलेट कर रखा था। फिर उसके अगला दिन आया, अगला दिन आते ही मेरे को थोड़ा और अच्छा फील हुआ, सब कुछ हुआ। हम घर वाले ये सोचने लगे कि यार भला लड़का ठीक हो रहा है अपना, अब इसको बहुत केयर से रखना है, बहुत केयर से कि क्या हो क्या नहीं हो। फिर उसके बाद दोबारा मेरे भैया और पापा मेरे को नहीं लेके गए, मेरे भैया और पापा वो डॉक्टर के पास आके कंसल्ट करके आए कि ये सीन हुआ था, ये सिम्टम्स रहे। तो डॉक्टर ने भी पापा और मम्मी से पापा और भैया से ये चीज़ पूछी कि क्या उसका कुछ पहले से बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं था, तो उन्होंने बोला कि नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ना ट्रेवल हिस्ट्री थी, ना कहीं से आया, ना किसी के कॉन्टेक्ट में आया, पहले लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से आता था, और लाइब्रेरी भी ये ऑलमोस्ट जब से ये हुआ था उससे पहले की बात है, ये जितना अपने इंडिया में आया उससे पहले की बात है, उसके बाद तो लाइब्रेरी भी नहीं गया, हमने खुद ने प्रिकॉशंस रखी। तो ये सारा कुछ होने के बाद डॉक्टर ने भी बोला नहीं, फिर तो इसका मतलब ये नॉर्मल वाली चीज थी जिससे वो रिकवर कर गया, और अगर कुछ हो भी तो आपने बहुत अच्छा केयर किया होगा, इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी रिकवर कर गया। आपको अभी भी केयर करनी है इसकी, और अभी भी आपको इसको सेल्फ आइसोलेशन में ही रखना है। तो ये डिसीजन लेने के बाद पापा और ने घर आके सारी बात डिस्कस की। तो ओवरऑल बोलूँ तो मैं 27 मार्च से बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ, उसके बाद ना कोई मेरे पास खांसी का सिम्टम है, ना कोई बुखार का सिम्टम है, ना कोई जुकाम का सिस्टम है, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो ये था कि मैंने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, अपने देश की सेफ्टी के लिए। अगर मैं इस पूरे पीरियड में अगर मेरे गलती से कुछ होता, मैं अगर 10 जनों के कॉन्टेक्ट में आता तो 10 जने किसी 100 जनों को फैलाते, 100 जने हजार जनों को, ऐसे बहुत लंबी चेन हो जाती। तो जो मैंने स्टेप लिया, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी था व्हाटएवर, अगर आपके पास भी कुछ सिमिलर सिम्टम्स है या फिर कुछ भी है तो आप प्लीज़ 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 खुद को सेल्फ आइसोलेट रखिए, क्वारंटाइन रखिए, जो WHO ने गाइडलाइंस बोली है वो फॉलो करिए। दोस्तों इस चीज़ को है ना बहुत बड़ा लेवल पे ये है, ये अमेरिका, US, इटली, ये सारे देश पैर पसार चुके हैं, अभी तक इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है। इंडिया में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, अगर हुआ तो बहुत वर्स लेवल पे होगा, इसीलिए एक एक कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने कदम उठाया है मे बी वो मेरी फैमिली को बचा लिया, मेरे को बचा लिया, या फिर जो कुछ भी था व्हाटएवर कुड बी, जो कुछ भी फॉरेन हिस्ट्री नहीं है उनके अलावा लोग टेस्ट नहीं कर नहीं रहे अपने इंडिया में गवर्नमेंट, और मेरा भी कोई ऐसा था नहीं टेस्ट कराने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बट फिर भी ये जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जिनकी फॉरेन हिस्ट्री है, जिनकी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है, भाई अगर ये गाइडलाइंस है तभी आपका टेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आपके कोविड है आपका टेस्ट भी नहीं कर रहे तो आप कोविड हो, तो आपको खुद को बचाना है, खुद को, फिर खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है। इसीलिए मैं फिर से एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेल्फ आइसोलेशन रखिए, घर में रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, और लोगों के से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बिकॉज अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अगर वैक्सीन नहीं बनी है और आपके COVID-19 हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होगी, आपको खुद को कैसे बचाना है उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान है, वो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, अगर आपके गलती से हो गया तो आपके परिवार को ले जाएगा। तो अगर आप परिवार से प्यार करते हो, हिंदुस्तान से प्यार करते हो, देश से प्यार करते हो, तो प्लीज़ 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 ह्यूमैनिटी के नाते इस चीज़ को फॉलो करिए।